हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। अगर आपको पूजा करते करते या फिर अपने इष्ट देवता की साधना करते हुए ये दो संकेत प्राप्त होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देवता की शक्तियां आपसे जुड़ना शुरू हो गई हैं। जिन भी देवता को आप मानते हैं, पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं तो वो आपको अनेकों संकेत देते हैं जिनसे आप पता कर सकें, जिनसे आपको पता लग जाए कि आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न हैं और उनकी शक्तियां, उनकी तरंगे आपसे जुड़ना शुरू हो गई हैं। तो वो आपको संकेत देते हैं और उनमें से मैं बात करूंगी दो महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं उनकी शक्तियां आपसे जुड़ना शुरू हो गई हैं और वे देवता आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो दो महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। देखिए, जो लोग बहुत सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी पूजा करना शुरू किया है, और अगर आपके देवता आपसे सिद्ध हो गए हैं, यानी कि वो उनकी शक्तियां आपसे जुड़ना जब शुरू हो जाती हैं, तो वो आपको कुछ संकेत देते हैं जिनसे आप स्वयं पता कर भी सकते हैं। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही दिखाई देगी ये चीज़ें, या फिर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। क्योंकि परमात्मा आपको संकेत देते हैं, अगर आप उस संकेत को नहीं समझ पाते हैं तो ये आपकी मूर्खता होती है, इसमें आपकी हानि होती है। तो संकेत, सबसे पहले संकेत के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला संकेत होता है हर उस व्यक्ति के लिए जो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, पूजते हैं। सपने के माध्यम से आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर वो आपको सपने में दिखाई देते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है, या फिर आपको किसी तरीके से वो आपके घर पर दिखाई दें, आप उनकी पूजा कर रहे हैं और वो साक्षात बैठे हैं, या फिर वो आपके दरवाजे से चल के आए हैं, या फिर वो आपके, मतलब आपको इस तरीके से अगर सपना आए या फिर आपके देवता पितर इस तरीके से आपको दिखाई दें कि वो आपके घर में आ चुके हैं, तो समझ जाइए कि वो आपके घर में आ चुके हैं। आपके द्वारा की गई पूजा आराधना से वो प्रसन्न हैं और उनका निवास आपके घर में हो चुका है, उनकी तरंगे आपसे जुड़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो संकेत, सबसे पहला जो संकेत होता है वो सपने के माध्यम से आपको प्राप्त होता है आपके इष्ट देवता के द्वारा। क्योंकि सपने में जब आप हम सोते हैं तो देवता की जो शक्तियां होती है, ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है, वो डायरेक्टली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है सोते समय। और वो जो सोते समय जो भी आपके पास होगा, या कोई अच्छी शक्ति हो या कोई बेकार शक्ति हो, यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति हो, तो जब वो आपके ऊपर, आपके पास आसपास होती है तो वो सपने के माध्यम से आपको दिखाई देती है, सपने के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर आपको देवता ने दर्शन दिए हैं या देवता से जुड़े हुए किसी भी देवता के दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं और आपके घर पर वो आए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा, आपकी आराधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ऐसे ही करते रहें पूजा पाठ और आपके इष्ट देवता आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। पूरी श्रद्धा, पूरी लगन, पूरे हृदय से आप उनकी सेवा, प्रार्थना, साधना करते रहें। दूसरा संकेत, आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता के दर्शन होंगे, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंखें खुल जाएंगी और फिर आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, जो सुबह का समय होता है 3 से 5 बजे के बीच का, उसमें ब्रह्मांड की शक्तियां धरती पर आती हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं, ब्रह्म बेला भी कहते हैं। ब्रह्मांड के जितने भी देवता गण होते हैं वो धरती पर आगमन करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जब कोई शक्ति आपके पास होती है, चाहे नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति हो, जब कोई शक्ति आपके पास होती है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं।
जब धरती पर अच्छी शक्तियों का आगमन होता है, यानी कि सुबह के समय 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, इस बीच में अगर आपकी आंखें खुलती है तो आपको तुरंत नहा के अच्छे से शुद्ध साफ अच्छे वस्त्र पहन करके अपने इष्ट देवता के समक्ष उनके मंदिर में आपको पहुंच जाना है। या फिर आप अगर अपने घर पर ही हैं, अपने घर में ही अच्छे से धूप दीप लगा करके अपने इष्ट देवता की आरती, उनके मंत्र जाप आपको शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव शक्तियां उस समय होती हैं। अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको पहले ही दिन में अनुभव हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेंगे और आपके जो भी शरीर में रोग है, कष्ट है, वो सब खत्म हो जाएंगे और आपका दिन बड़ा ताजगी भरा रहेगा जब भी आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है, आप तक पहुंचाई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।